साधारणतः 70 डेसिबल के नीचे जो भी आवाज है, तो डेसिबल ये आवाज गिनने की या आवाज की क्षमता मापने की एक लिमिट है, टेक्निकल लिमिट है। 70 डेसिबल के ऊपर जब कोई आवाज जाता है तो वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत बड़ी समस्या निर्माण करता है। और जैसा कि आप रास्ते में से कोई बुलेट गाड़ी जा रही है या कोई ट्रक वाला हॉर्न बजा रहा है या और भी कुछ चिल्लम चाल्ली है या अलग अलग टाइप का म्यूजिक बज रहा है रोड पे, तो इससे जो हमको दिमाग को तकलीफ होती है वो इसका कारण है कि वो 70 डेसिबल के आगे चला जाता है। आवाज का ऐसा है, वो अगर मधुर हो, संगीत से जुड़ा हो, अलग अलग रागों के आधार पर जुड़ा हुआ हो, तो वो हमारी बहुत सी बीमारियां दूर कर सकता है। अगर वो अच्छे संगीत या गीत या अच्छी धुन के स्वरूप में हम सुनते हैं तो हमारे लिए, हमारे सेहत के लिए वो बहुत अच्छा होता है, वो हमारा मूड बदल देता है। लेकिन उसके उल्टा है, अगर कोई भी बड़ा साउंड आप सुनते हैं या नॉइज सुनते हैं तो आपके दिमाग में वो बहुत परेशानी कर, उससे आपको बहुत अनेक टाइप की बीमारियां होती है, जैसे हाइपरटेंशन है, नींद की बीमारी होती है, तनाव आपका बढ़ता है, यहां तक कि आप सुनने में भी तकलीफ महसूस करते हैं, कुछ लोग तो बहरे भी हो सकते हैं। तो इतनी ये खतरनाक चीज है, इसलिए जो रास्ते में बैंड बजाते हैं उसके ऊपर नाचते हैं और बहुत बड़ा म्यूजिक लगाते और एंजॉय करते हैं, उन भाइयों को मेरा विनती है कि कृपा करके ये चीज सब बंद करो, खास करके जो बुलेट गाड़ी वाले हैं और ट्रक चलाने वाले जो लोग हैं। अरे भैया, तुम्हारे हॉर्न जोर जोर से बजाने से या तुम्हारा गाड़ी का फायरिंग चेंज होने से आपका कोई इम्प्रेशन नहीं बढ़ने वाला है। जितने स्पीड में आपकी गाड़ी जाने वाली है और जितने ट्रैफिक को आपको झेलना है वो तो झेलना ही है, तुम्हारे हॉर्न से कुछ नहीं होने वाला है। तो कृपा करके, कुछ लोग स्टडी करते हैं, बूढ़े होते हैं, बीमार होते हैं, पेशेंट होते हैं, उनका भी ख्याल रखो कि तुम्हारे नॉइज पोल्यूशन की वजह से उनको कितनी तकलीफ होती है। तो और इसका नॉइज पोल्यूशन का एक कारण है कि जिसके शरीर में ज्यादा कचरा होता है, विषाणु होते हैं, वो आदमी को ये नॉइज बहुत अच्छा लगता है। और कोई आग वगैरह देखते है कि को बहुत बड़ा बड़ा जोर से हॉर्न बजाता है या बुलेट गाड़ी में घूमता है, समझना उसके शरीर में बहुत टॉक्सिसिटी है, नाइट्रेट है। वो आदमी, जो आदमी हिंसक मनोवृत्ति का होता है वही नॉइज पोल्यूशन करता है, सिंपल डेफिनेशन है उसकी। और जो शांत स्वभाव का आदमी है वो तो म्यूजिक पसंद करता है, वो कभी नॉइज नहीं करेगा। शांति और अहिंसा पसंद जो लोग है वो कभी नॉइज पोल्यूशन नहीं करते। तो इसलिए मुझे सभी भाइयों को मेरी विनती है कि कृपा करके जो आपका नॉइज पोल्यूशन है वो आप कम करो, और कोई करता है तो कम से कम उसे वो बंद करने की हिम्मत रखो, उसके लिए फाइट करो। और बहुत से एनजीओज है, जैसे सरिता खानचंदानी जैसी मैडम है उल्लास नगर में, वो बहुत अच्छा काम कर रही है नॉइज पोल्यूशन प्रिवेंशन में। ऐसे बहुत से वॉलंटियर्स आपको तैयार करने पड़ेंगे, तभी ये नॉइज पोल्यूशन कम होगा और हमको शांति और सुकून महसूस होगा। धन्यवाद।